ठीक है, आप भेज दीजिए। हाँ हाँ पता पता है, मैं दीदी भेज दीजिए। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम प्रियंका हरबार है, मैं मेहरौली से आई हूँ और मेरी ससुराल भोपाल से। मैं स्पेशली इस टेट की तैयारी के लिए भोपाल से यहाँ 2 महीने की तैयारी कर रही हूँ घर पर ही। मेरी एक बच्ची भी है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी हूँ। तो आप भोपाल से यहाँ आई, आपको कितनी समस्या हुई और आज जो पेपर हुआ है क्या कहेंगी आप? ये पेपर इस तरह से अगर लीक कराना ही था तो मतलब स्टूडेंट को पहले ही अगर ये न्यूज़ पहले ही दी जाती तो बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो कम से कम अपने घर पे रह के वो सांत्वना तो रहती है, उनको तसल्ली तो रहती है कि चलो नस्ती हो गया। हाँ तो ऐसे कॉपी छीन ली गई है, क्या तरीका है बताओ। आप जो परीक्षा केंद्र पर आई, कितने देर बाद आप लोगों को पता चला कि पेपर लीक आउट हो गया? 1 घंटे बाद 11:30 बजे 11:30 बजे डॉट ये बता दिया गया था कि ये पेपर लीक हो गया है और हम लोगों का पेपर सॉल्व भी हो गया था लगभग। क्या लगता है आपको, सरकार का फेल्यूअर है क्या है ये? सरकार का ही लग रहा है क्योंकि अगर सरकार की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या फिर क्या मतलब है सरकार का बताओ? इससे आपको क्या नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है? आर्थिक भी हुआ है, शारीरिक भी हुआ है, सब कुछ हुआ है नुकसान। अरे जो बच्चे बेचारे जो पढ़ते हैं गांव से मेहनत कर रहे हैं, दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनसे पूछो बेचारे गरीब जमीन बेच बेच के पैसे लगा रहे हैं माँ बाप। ये लॉकडाउन की वजह से एक तो पहले से ही आर्थिक स्तर इतना नीचा हो चुका है, सोच के लिए तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे फिर भी फेल हो जा रहे हैं। क्या सरकार को कहना चाहेंगी आप? सरकार को यही कहना चाहूँगी कि सरकार की अगर अपनी आने वाली उसमें चुनाव में अगर चाहते हैं तो ये पेपर जल्दी से जल्दी वापस कराया जाए इसी साल। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कोई वैल्यू नहीं है फिर सरकार की, कोई कड़ी सुरक्षा है ही नहीं उनकी, उनकी निगरानी के बावजूद पेपर लीक हो जाता है फिर क्या मतलब है? नहीं इधर बच्चे दिन रात में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भावना है, भावना यादव। कहाँ से आई हैं? सर भोपाल से आई हूँ। जी तो आज TET का पेपर था, कैसा हुआ आपका पेपर? सर पेपर की कुछ देर बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, मुझे बहुत खेद हो रहा है कि पेपर लीक हो गया और मुझे बहुत दूर से आना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेपर दोबारा होगा। और कितनी देर बाद आपको पता चला कि पेपर? 2.5 घंटे बाद। कितनी? 2.5। नहीं, क्या तैयारी थी आपकी और कैसा महसूस हो रहा है? अरे अब पेपर तो बहुत अच्छा था सर, आज लीक हो गया तो बहुत बहुत दुख हो रहा है सर। दुख जी पता चला कि आप दिव्यांग भी हैं और इतनी दूर से आई हैं, क्या समस्या मतलब कितनी परेशानी हुई आपको? सर अब बताया नहीं जा सकता। क्या कहेंगी, सरकार का फेल्यूअर है ये? अब ये तो सरकार ही बताएगी सर। तो आपकी तैयारी थी? यस सर। लेकिन पेपर नहीं हुआ, कोई डेट आपको पता चली कब होगा? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? राहुल राजा। कहाँ से आए हैं? यहीं लैतपुर से। आज TET का पेपर संपन्न होना था, क्या हुआ? क्या हुआ वो तो सब देख रहे हैं, लीक हो गया है, हम लोगों का नुकसान हो गया है और क्या। क्या हुआ, परीक्षा रद्द हो गई? क्या रद्द हो गई? परीक्षा रद्द हो गई, हम लोगों को 1 घंटे बाद पता चला, 1 घंटे बाद पेपर ने बताया, उन्होंने गेट बंद करके बता दिया कि पेपर लीक हो गया है, कॉपी जमा करो। तो आपकी कॉपी जमा कर ली गई? जमा कर ली गई है। सेकंड मीटिंग में था ना? सेकंड मीटिंग में भी था, वो भी बंद उन्होंने कर दिया कि मतलब कैंसिल है। मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2-3 महीने से, कब से कर रहे हैं, पहले जुलाई में नोटिफिकेशन आया था कि होना है पेपर होना है, कोरोना की वजह से लेट हो गया। इसके बाद अभी जैसे तैसे पेपर हुआ, आए हम लोग और इसके बाद 1 घंटे बाद पता चला कि लीक हो गया। अभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, एक बंदे ने बोला कि 1 महीने बाद होगा, अभी भी डेट फिक्स नहीं है। अगली बार भी ऐसे पेपर हुआ, क्या मानते हैं सरकार का फेल्यूअर है? फेलियर ही है और क्या क्या बोले।
कम से कम ये है कि स्टूडेंट के हित में कुछ तो करे। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा नाम है सर। कहाँ से आए हैं? हम गुना से आए सर। अच्छा, आप आज TET का पेपर था, क्या हुआ फिर? सर एग्ज़ाम अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में न्यूज़ आई कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, तो फिर सुन के सभी विद्यार्थी लोग परेशान हो गए और हम काफ़ी दूर से आए हैं। रहने के लिए भी हमने होटल अरेंज किया और काफ़ी पैसा खर्च भी हुआ है रिजर्वेशन आने में जाने में, लेकिन फिर पेपर लीक होने के बाद। कितनी देर बाद पता चला आप लोगों को? हमको लगभग 1 hour 30 minutes बाद पता चल गया था, 1 hour 30 minutes बाद। जब आपको ये सूचना मिली तब कैसा लगा आपको? सर बहुत ही बेकार लगा, पेपर बहुत बेकार लगा क्योंकि सारी प्रिपरेशन भी थी और काफ़ी फाइनेंशियल भी कुछ लोग सफ़र करते हैं, उस हिसाब से भी देने आए थे, अब सब लोगों को दोबारा करना पड़ेगा, तो ये एक तरीके से सिस्टम की अपन गैर जिम्मेदारी भी मान सकते हैं ये कि कैसे पेपर लीक हो गया। सरकार का फेलियर है? फेलियर कह सकते हैं, सिस्टम का कुछ ना कुछ फेलियर, क्योंकि पेपर कैसे लीक हो गया, तो इतनी सेफ्टी से पेपर सारी चीज़ें होती हैं, तो आज अचानक कैसे हो गया, क्योंकि कोई विद्यार्थी अदर स्टेट्स के ज़्यादा, जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं, कोई राजस्थान से भी आए हैं, एक भाई हमारे और अदर स्टेट से काफ़ी लोग आए हैं, तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ कमी रही होगी सिस्टम की, तभी ये लीक हुआ है। जी आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है, GIC ललितपुर से। आज TET का पेपर था, क्या हुआ है उस पेपर का? किसी जनपद में लीक होने की सूचना मिली, जिसके कारण शासन के द्वारा जो आदेश है उसके तहत कापी को सबमिट करके कैश पेपर को कैंसिल निरस्त करते हुए कैंडिडेटों को छोड़ दिया गया और सेकंड मीटिंग का भी पेपर निरस्त माना गया कि सेकंड मीटिंग का पेपर भी नहीं होगा। कितने परीक्षार्थी थे आज विद्यालय में? लगभग 700-800 करीब के 800 के करीब कैंडिडेट्स थे यहाँ, और महिला और बॉयज दोनों ही थी।